कलयुग ने जब अपनी यह विशेषता बताई, जब अपना यह गुण बताया, रीझ गए महाराज परीक्षित। भाई गुण तो तुम्हें बहुत अच्छा है, तुम्हारा गुण हमें पसंद आया, क्या चाहते हो? बोले महाराज, जिस प्रकार से हमारा गुण आपको बहुत अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो हम चाहते हैं इस गुण के ही अनुकूल, इस गुण के अनुसार ही आप हमें हमारे कहने के अनुसार स्वर्ण में बास दे दें। यदि स्वर्ण में बास मिल जाए तो ये अपना काम बन जाए। बोलो राधे राधे राधे। अच्छा ठीक है, जाओ, हमने तुमको स्वर्ण में वास दिया। कलयुग ने सोचा कि महाराज परीक्षित ने स्वर्ण में वास दे दिया है, अब जब मेरा मन करेगा तभी महाराज परीक्षित के घर में प्रवेश कर जाऊंगा। स्वर्ण में कलयुग का वास होता है, पर महाराज भले ही स्वर्ण में कलयुग का वास है, पर क्या किया जाए? अब पता है कि स्वर्ण में कलयुग का वास है, पर आजकल हम और आप तो स्वर्ण ही ज्यादा ग्रहण करते हैं, उसको ही ज्यादा पहनते हैं। किसी ने पूछा कि यदि कलयुग का वास स्वर्ण में है तो क्या स्वर्ण नहीं पहनना चाहिए? जब स्वर्ण में कलयुग का वास है तो फिर इसका मतलब स्वर्ण नहीं पहनना चाहिए, सोना नहीं पहनना चाहिए? बोले नहीं नहीं, सोना पहनना चाहिए। भले ही स्वर्ण में कलयुग का वास है, कौन से स्वर्ण में? एक संत इसका समाधान करते हैं, भले ही हम जब स्वर्ण को अपने शरीर पर धारण करें और पता है कि उसमें कलयुग का वास है और पहनना भी आवश्यक है, बिना स्वर्ण के पहने हुए हमारे मन को शांति नहीं मिलती, हमें लगता है कि हमें सोना पहनना ही चाहिए। अच्छी बात है, पहनो, और उसमें कलयुग का वास भी है, पर क्या किया जाए? बोले इसके लिए चाहिए कि भले ही स्वर्ण में कलयुग का वास है, सर्वप्रथम यदि स्वर्ण को हम अपने शरीर पर धारण करें, उससे पहले हमको चाहिए कि हम परमात्मा को, बिहारी जी को निवेदित करते हुए, उनका भोग लगाते हुए, यदि हम किसी भी आभूषण को अपने शरीर पर धारण करते हैं तो धारण करने से पहले हमें परमात्मा का भोग लगाना चाहिए, कोई भी आभूषण सही। क्योंकि जब हम परमात्मा का भोग लगाएंगे, उनको निवेदित करेंगे, तो उससे क्या होता है कि वह जो स्वर्ण है अशुद्ध है, उसमें कलयुग का वास है। परमात्मा का भोग लगाने से, उनको निवेदित करने से वह स्वर्ण शुद्ध हो जाता है। स्वर्ण ही नहीं, इस संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सदोष न हो, जिसमें दोष न हो। क्योंकि अन्न खाते ही तो अन्न में दोष, वस्त्र पहनते हैं तो वस्त्र में दोष, और स्वर्ण आभूषण पहनते हैं तो
आभूषण में दोष। संत श्रोमण गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत दिया है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार। इस संसार में कोई भी वस्तु नहीं जिसमें दोष ना हो, पर हमको क्या चाहिए, भले ही दोष है, चाहे वो सोना सही, चाहे वस्त्र सही और चाहे भोजन सही, दोष होगा, पर हम सबसे पहले यदि भोजन करें तो परमात्मा को भोग लगा करके, यदि अन्न ग्रहण करें तो परमात्मा का भोग लगा करके उनको निवेदित करके, वस्त्र धारण करें तो परमात्मा का ध्यान करके उनको निवेदित करके, ऐसे ही अपने शरीर पर जब सोना धारण करें, स्वर्ण पहने तो परमात्मा का भोग लगा करके। क्यों ऐसा करने से क्या होता है, यदि हम अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन करते हैं ना, तो है भोजन, फिर भोजन नहीं रह जाता, परमात्मा का भोग लगाने से वह प्रसाद बन जाता है। तो माहे निवेदित भोजन करही, भोग लगाओगे तो फिर वह अन्न अन्न नहीं रह जाता। ऐसे ही वस्त्र पहनो, भोग लगाओ परमात्मा का, अलंकार धारण करो।